हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनडीए 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट है मैथ, और ये NDA 1 है, ठीक है। इसका 2 भी होता है, तो हम आपको दिखाएंगे। हाँ, NDA 1, इसका 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और ये सब्जेक्ट गणित है। इसी प्रकार से आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपका अपलोड किया हुआ 2018 से लेकर के 2023 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर सभी के सभी मिलेंगे, ठीक है। तो और बता देते हैं कि इसके अलावा आपको कंपटीशन लेवल का भी इस चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और क्लास 8 से लेकर के 12th तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो उसका सॉल्यूशन सारे के सारे इस चैनल पर मिलेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों आज का वो हमें ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे। अगर इसका सोल्यूशन अगर चाहिए आपको तो जल्द बताइएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, स्टार्ट इसको करते हैं। तो फुल मार्क्स 300 है और समय आपको दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, और आप तैयारी जो कर रहे हैं उसमें ये ज़रूर हेल्प करेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से। और इसमें बता देते हैं टोटल जो क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया फर्स्ट, तो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, ऑप्शन आपको ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पर कह रखा है और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद भी ये ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन ही अभी, और इसके बाद भी देखिए नीचे आपका दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका ये रहा, और दोस्तों वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताए कीजिए, और आपको किस ईयर का चाहिए वो भी बताए कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो, नहीं तो अपलोड किया हुआ है, देख लीजिएगा उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देख लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन, इस टाइप का ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फाइव रहा, यहाँ पर ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इसके बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो यहाँ पर के का वैल्यू पूछा है और मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन ये रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ऑप्शन है, ऑप्शन में है जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव इफ पी क्यू आर आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑप्शन इसका फर्स्ट में है 3, सेकंड में 12, 14, 15, ऐसे ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए, और इसका बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवेन बिलो। तो कोड के माध्यम से आपको आंसर को पता करना है कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको फोर दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा, क्वेश्चन नंबर फोर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर है, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये दे रखा है और ऑप्शन आपको नीचे बता रहे हैं अभी, तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन बहुत काम करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए, इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना समय में सॉल्व कर पा रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक अभी तक आपका कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा, इसमें के का वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, तो ये हिंदी लैंग्वेज में है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन में और ये कूटनीति के माध्यम से इसका ऑप्शन आपको चुनना है, ऑप्शन नंबर पहला मतलब ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है, देख लें क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें भी कूटनीति के माध्यम से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, क्वेश्चन देख लें। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन के साथ।
इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 है, चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। और ये कूटनीति कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना है। नीचे ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रसार में कितने पद हैं, ठीक है। तो आपसे नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है। और करा के उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं, तो आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो ये रहा ऑप्शन आपका चार, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये रहा इसका चार ऑप्शन। नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ऑप्शन नंबर आपका मतलब ऑप्शन तो नीचे है, यहाँ पर दो दिए हुए हैं और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये रहा चार ऑप्शन, ए बी सी डी करके दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, 9 में देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। और क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा और इसके चार ऑप्शन नीचे आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये रहा चार ऑप्शन, ठीक है। लिखा हुआ है वन ओनली या फिर टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नोर टू, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लें, इसके बाद आपका ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13, 13 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि शब्द जो टाइगर है के अक्षरों के ऐसे कितने क्रम चय हैं जिनका स्वर सम स्थानों पर न आते हों। तो चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये रहा चार ऑप्शन, ठीक है, 72, 36, 18, 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 ये है और इसका चार ऑप्शन है, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे रखा है। आपको हम पहले वीडियो के स्टार्ट में बता रखें कि आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, इसको देख लीजिए, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 20, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है, वैल्यू पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्वेश्चन। और इसके बाद आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, चार ऑप्शन ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए और ये रहा आपका चार ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और अभी इसको बताइए कहते हैं हिंदी में भी टाइगर वर्ड, तो इसको देख लीजिए और ऑप्शन इसका ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए बी सी डी करके, ये आपका ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, तो चार इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 और ये चार ऑप्शन है,
वीडियो को रोक करके और देख लीजिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए इसको। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और क्वेश्चन आपको दिखाने अगर देखने से भी ये भी फायदा है कि आपको इसमें आंसर नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, इससे और अच्छा रिविजन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा चार ऑप्शन के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, चार ऑप्शन दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 से देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से देख लिए, चलिए इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो ये रहा आपका इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, इसको देख लीजिए और आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन, ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो 25 ये रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है देख लीजिए और इसका ऑप्शन बताइए कि कौन सा इसका होना चाहिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, चार ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 21 है और चार इसका ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपका, इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका चार ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 से देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसका ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन इसका ये रहा, ऑप्शन है चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा और ये सब अभी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपको इसको दिखा रहे हैं नीचे है। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 25 को और इसके बाद चार ऑप्शन है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इससे आपका बहुत मदद मिलता है और देख लीजिए कि कितना समय में सॉल्व कर पाते हैं, जो टाइम दिया हुआ उसके अंदर ही आपको सॉल्व कर लेते हैं घर पर, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, इसका मान पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा और इसका चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन और आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद ये ऑप्शन है, ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 से देख लीजिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप रिविजन करते रहिए और जो जो टॉपिक्स अधिकतर पूछा है वो सब आप रिविजन करते रहिए, उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। ये हो गया 28, तो ये देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29 है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है, चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके बाद है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, 31, ठीक है, इसको देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन 27 है, इसको देख लीजिए और इसका चार ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 27 से देख लें, चार ऑप्शन ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28 और चार ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 28 है और इसके चार ऑप्शन ये रहा है, ठीक है, तो देख लीजिए चार ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 को, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30,
इसका ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में √3 है, 2, √5, 3, ऐसे करके आपका चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपका, ठीक है, चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो ये चार ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये 32। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32, इसको अच्छे से देख लीजिए, और ये चार ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको आप देख लीजिए, और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर है, देख लीजिए इसको अच्छे से, पढ़िए समझिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ऑप्शन आपका ये रहा, चार ऑप्शन, ठीक है, देख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 35 है और ऑप्शन यहाँ पर है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 35 का चार ऑप्शन देख लिए। इसके बाद है 36, 36 का ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, तो ये चार ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका चार ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद ये चार ऑप्शन रहा, ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये आपका 32, इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है और चार ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद है आपका 33, 33, तो ये रहा आपका क्वेश्चन और चार ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर कीजिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन चार ऑप्शन देख लीजिए इसका, ठीक है, चार ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको देख लीजिए और चार ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये रहा आपका चार ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन नंबर 36 और इसका चार ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये है, ठीक है, देख लीजिए, और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये रहे चार ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं क्वेश्चन, तो 37 देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रहा 38 क्वेश्चन नंबर, हिंदी लैंग्वेज में है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ये 38 क्वेश्चन नंबर है, चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो ये रहे इसके ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए और ये रहा फिर से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं 39, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, चार ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 41, क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 41 है, चार इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा और चार इसका ऑप्शन नीचे में है, ठीक है, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन के ही पार्ट हैं, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, और ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन के साथ ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 में देख लीजिए और इसका ऑप्शन नीचे आपको हम दिखाते हैं। और वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, ये हमें ज़रूर बताए कीजिए और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 38 ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज में, 38 से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चार ऑप्शन देख लिए, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ चार ऑप्शन। इसके बाद है 39, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका चार ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 और चार ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 41, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 और चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 और आपको चार ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये रहा चार ऑप्शन देख लीजिए और क्वेश्चन भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है।
वीडियो में अगर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पार अगर कर देते हो तो भी हमें बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको कहते हैं कि वीडियो कैसा लगता है ये आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके बाद अपना आंसर दीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो ये रहा हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 44, तो ये रहा क्वेश्चन और इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन के साथ, ठीक है, तो देख लिए ऑप्शन और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है वो था 44, ये क्वेश्चन नंबर 45 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ भी कुट का प्रयोग करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ऑप्शन इसका ये रहा आपका ऑप्शन, ये है ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 47 से देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 से देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 से देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 और ये ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शन चार ऑप्शन है, ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए इसको अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 44 को, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको नीचे हम दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका ऑप्शन ये रहा ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन 44, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, देख लीजिए 45, और इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं, इसको रोक करके और आप रिविजन कीजिए, सोल्यूशन कीजिए। इसके बाद ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा आपका क्वेश्चन 46 और चार ऑप्शन है, देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47, देख रहे हैं कि पूरा 11 से भी क्वेश्चन है, तो 11 को आप अच्छे से रिविजन किए होंगे, ठीक है, और नहीं किए हैं मतलब भूल गए हैं तो उसको भी रिविजन कीजिए, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 48 है और इसको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, सबके सब ऑप्शन आप देख लें, चारों के चारों ऑप्शन देख लें क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये 49 क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका चार दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, 51 ये रहा आपका, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका चार ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 और चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा और इसका चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका 49 इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए और इसके चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रोक करके पढ़िए, समझिए और इसका आंसर कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 51, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर है और इसके चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 52 इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बताएगा, जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी लाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, चार ऑप्शन के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 54, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 54, चार ऑप्शन इसमें भी आपको दिख रहे हैं, तो ये रहा चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 55 है
इसको ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 और ये ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया और इसका ऑप्शन आपको नीचे दिखा रहे हैं, नीचे ऑप्शन है इसका, देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 57 है और चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चार ऑप्शन भी यहाँ पर सामने है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 ये रहा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, इसको देख लीजिए और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको दिखा रहे हैं, चार ऑप्शन आपको दिखाएंगे। ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है, देख लिए ऑप्शन और ये फिर से क्वेश्चन। इसके बाद है 59, तो ये रहा 59, ठीक है, तो चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, चार ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा क्वेश्चन नंबर 60, इसको देख लिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, चार ऑप्शन भी है ए बी सी डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज हम पहले देख लें, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका 55 क्वेश्चन नंबर है, इसका चार ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 56 हो गया और चार ऑप्शन आपको नीचे दिखाते हैं, चार ऑप्शन ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, चार ऑप्शन में भी इसके साथ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपका, हाँ ये 57 है, क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, चार ऑप्शन देख लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 59, ये रहा 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 के साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, चार ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 और इसका चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61 और ये चार ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, तो ये क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन भी है, वीडियो को रोक करके देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 63, इसको देखिए समझिए पढ़िए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, इसको देख लीजिए, चार ऑप्शन भी आपके सामने है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 67, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 और चार ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61 और चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, तो चार ऑप्शन देख लें, 62 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 62 और चार ऑप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 63, चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है क्वेश्चन नंबर 64, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 चार ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 65, तो ये रहा आपका 65, ठीक है, ये 65 है और चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 66 ये रहा आपका 66 और चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, वीडियो को रोक करके तब सॉल्व कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इससे आपका हैबिट भी होता है, फिर आपका टाइम भी पता चलता है कि आप कितना टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 68, तो 68 ये रहा क्वेश्चन और चार ऑप्शन के साथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 ये है और चार ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70, तो ये रहा 70 क्वेश्चन नंबर और चार ऑप्शन, ए में है 1/2, 1, 2, 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ। इसके बाद 71, तो 71 ठीक है, तो ऑप्शन इसका देख लीजिए, -4, -3.5, -3 और 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 72, इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है, तो 0, 5, 2LN5, 5LN5,
ये दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा, चार ऑप्शन यहाँ पर नीचे है, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन और फिर से क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74, तो ये रहा आपका 74, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में 0, 1/2, 1, सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद है 75, तो ये रहा आपका 75, लिमिट से क्वेश्चन है, ऑप्शन हम चार ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, चार ऑप्शन यहाँ पर है 68 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69, तो ये रहा आपका 69, क्वेश्चन नंबर चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद देखते हैं 70, तो ये रहा आपका 70, क्वेश्चन नंबर चार ऑप्शन के साथ, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 71, ये रहा आपका 71 और ये ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 72, तो 72 में चलते हैं, तो ये रहा आपका 72, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये 72 और चार ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 73, तो 73 में देख लीजिए, ये रहा आपका 73 और चार ऑप्शन है, इसमें चार ऑप्शन है दिखाते हैं, ये रहा चार ऑप्शन और फिर से 73 देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 74, तो ये रहा आपका 74, तो चार ऑप्शन भी है, 74 का ये रहा चार ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 75, तो ये आपका 75 है, तो 75 का देख लीजिए, ये चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, 76 का देख लीजिए, चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, क्वेश्चन 76 से देख लीजिए, 77 में ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, और इसका चार ऑप्शन ये रहा, ये चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 78, तो ये रहा आपका 78, क्लियर है, ये 78 है और चार ऑप्शन देख लीजिए, 78 का चार ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 79, ये रहा आपका 79 और ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर है। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं 80, ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको देख लीजिए और ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं 81, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 81 दिखाते हैं, ये रहा आपका 81 और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, तो क्वेश्चन 81 है और चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, और बताएगा कि आपको वीडियो कैसा दिखा, ठीक है, ताकि अगर कोई कमी रह गए तो अगले वीडियो में हम उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। तो 82 देख लें, चार ऑप्शन भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन, तो ये आपका 76 हो गया, चार ऑप्शन ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है 77, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 77, क्वेश्चन नंबर चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ये रहा आपका 78 और चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 78 देख लिए, चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका चार ऑप्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 79, ये आपका 79 है और ये आपका चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 80, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 80 और इसके चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 81, तो ये रहा आपका 81 और चार ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 82, तो अगला क्वेश्चन है 82, तो ये रहा आपका 82 और चार ऑप्शन के साथ, ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 83, तो 83 ये रहा आपका 83 क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन भी दे रखे हैं, सभी के सभी आपके सामने ऑप्शन हैं, दिख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 84, ये 83 है, तो ये आपका 84 हो गया, देख लीजिए 84 है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 84 का। आगे बढ़ते हैं 85, तो 85 ये रहा आपका क्वेश्चन चार ऑप्शन के साथ, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। आपको पहले ही बता दिए हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अगर आपका इसका सोल्यूशन चाहिए तो जल्द बताइएगा, सोल्यूशन आप तक पहुंचाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। ये रहा आपका चार ऑप्शन 86 का, तो 86 का चार ऑप्शन देख लीजिए और ये फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 87, तो ये रहा आपका 87, ठीक है, और इसका चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, फर्स्ट में है 2, सेकेंड में है 3, 3 में है 4 और 4।
फोर में है, सिक्स, चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 88, ये रहा आपका 88। ए में है आपका केवल ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी में है केवल ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और सी में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, और डी में है ए बी प्लस वन बराबर जीरो। इसके बाद देखते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गया तो 83 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, और ये रहा आपका चार ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 84, तो 84 आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 84 चार ऑप्शन के साथ, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 85, तो ये रहा आपका 85, यहाँ पर 85 है और चार ऑप्शन, ठीक है 85। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 86, तो 86 ये रहा 86 और चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 87, तो 87 ये रहा, ठीक है 87 यहाँ पर है और चार ऑप्शन है, ठीक है चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद 88 है, 88 ये रहा क्वेश्चन, ठीक है और यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसके बाद 89, तो 89 आप दिखाते हैं आपको, ये रहा आपका 89 क्वेश्चन नंबर और चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है 89 हो गया, अब आपको दिखाते हैं 90, तो 90 ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को रोकिए पढ़िए समझिए, और ये रहे आपका ऑप्शन जिसमें कोई टिक वगैरह नहीं लगाया हुआ है, यहाँ से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है रिवीजन कीजिए पढ़िए और अपने एनडीए को क्लियर कीजिए। तो ये रहा बोल रखा है कि अगले तीन प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि तीन प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन से देना है, ठीक है तो 91 को भी इसी से देना है, देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 91 हो गया ये, इसके बाद आपको 92 दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका 92 है, ठीक है जो उसी क्वेश्चन से देना था, तो ये 92 हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं 93, तो ये भी 93 उसी क्वेश्चन से देना था, ठीक है तो ये 93 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला दो प्रश्न का जो आंसर है आपको इसी क्वेश्चन से देना है, ठीक है तो अगले दो प्रश्न का उत्तर इसी से देना है, तो 94 हो गया, ठीक है और इसके बाद चार ऑप्शन पहले देख लीजिए, इसके बाद आपका 90 पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, 89 हो गया, ठीक है तो चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 90 आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका 90, तो 90 क्वेश्चन देख लें, चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर चार ऑप्शन भी है। इसके बाद है 91 और 92 और 93, इसी क्वेश्चन से आंसर देना है, ठीक है तीन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन क्वेश्चन का आंसर इसी से देना है, ठीक है तो 91 देख लीजिए क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं चार ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद 92 आपको दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 92, यहाँ पर आपका 92 जो कि उसी क्वेश्चन से देना है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका 93 देख लीजिए और चार ऑप्शन भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका 94 और 95, इसी क्वेश्चन से आंसर देना है दोनों का, ठीक है तो 94 देख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए और 95 आपको दिखाते हैं, तो ये आगे हिंदी लैंग्वेज में पहले इसको देख लेते हैं, ये 95 है और इसका चार ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 96, तो 96 ये क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन अपना ही क्वेश्चन, मतलब कि इसको किसी से आंसर नहीं, ये एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है चार ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है 97 ये रहा, इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये चार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है और 97। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 98 ये रहा आपका 98, कूटनीति का प्रयोग करके आपको आंसर देना है, तो देख लीजिए करा कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक दो तीन सब का सब, तो ये देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका 99 क्वेश्चन नंबर हो गया, ये 99 है, ठीक है और आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन अभी ये नहीं है, क्वेश्चन देख लीजिए पढ़ लीजिए और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है तो ऑप्शन में तो जान ही रहे हैं क्या रहेगा, केवल एक इस प्रकार का रहता है, इसलिए आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, तो देख लीजिए, सॉरी इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे, तो ये रहा आपका 95, ठीक है 95 है, चार ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 96, तो ये रहा आपका 96, तो 96 का चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद है 97, तो 97 देख लीजिए, ये रहा आपका 97, अच्छे से देख लीजिए और आपको दिखाते हैं ऑप्शन इसका, तो चार ऑप्शन ये रहा,
97 का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 98, ये रहा आपका 98, यहाँ पर 98 है और ऑप्शन तो जान ही रहे हैं कि क्या ऑप्शन होगा, ओनली वन, ओनली टू, इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन और फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99, तो ये रहा आपका 99 क्वेश्चन और इसका ऑप्शन तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ही देख लीजिए। इसके बाद आपका ऑप्शन देख लिए होंगे तो 99 हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका क्वेश्चन नंबर 100, तो चार ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, चार ऑप्शन ये रहा और क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 101 ये रहा क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 120 क्वेश्चन, तो 101 पर पहुंच चुके हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 102 देख लीजिए और ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 103, तो 103 यहाँ पर है, इसको देख लीजिए अच्छे से, चार ऑप्शन के आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। इसके बाद है 104 आपको दिखाते हैं, तो ये रहा आपका 104 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चार ऑप्शन के साथ। इसके बाद 105, तो 105 ये रहा और चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आगे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं 101, तो ये रहा आपका 101 क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए और ये रहा आपका ऑप्शन। तो 101 का क्वेश्चन के साथ साथ आपका ऑप्शन हो गया। इसके बाद है 102 क्वेश्चन नंबर ये रहा, तो ये रहा आपका 102 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। इसके बाद दिखाते हैं 103, तो 103 ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये 103 है और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद है 104, तो 104 ये रहा आपका क्वेश्चन, 104, ठीक है, तो 104 है और ऑप्शन है। इसी प्रकार से आपको बता देते हैं दोस्तों कि एनडीए का, प्रीवियस ईयर का जो भी जितना भी क्वेश्चन पेपर है सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर किसी ईयर का नहीं मिल रहा तो आप हमें बताइए और बता देंगे। इसके बाद 105 हो गया और इसके बाद आपका 106 क्वेश्चन नंबर, इसमें करा है कि 106, 107 और 108 इसी क्वेश्चन से आंसर आपको करना है, ठीक है, इसे इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो दिखाते हैं 106, तो 106 यहाँ पर दिया हुआ है, चार ऑप्शन भी आपका है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन पहले ही दिखा दिए हैं। इसके बाद 107, तो 107 ये रहा और चार ऑप्शन भी है। इसके बाद 108, तो 108 यहाँ पर है, 108 है, ठीक है, 108 और चार ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद आपको 109 दिखाते हैं, तो 109 ये रहा क्वेश्चन से पहले आपको 109, 110, 111 इसी क्वेश्चन से आंसर करना है, ठीक है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। और इसके बाद 109 क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, ये रहा 109 और चार ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन है 110, तो 110 आपको ऊपर ही वाला क्वेश्चन से आंसर करना है, चार ऑप्शन है। इसके बाद 111, तो ये रहा आपका 111, तो चार ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये 106 हो गया, ठीक है, आपको बताएं रखें कि आगे का जो तीन क्वेश्चन है आपको इसी से पूछना है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है आपका 106 हो गया, 107 आपका ये रहा, 107 क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 108, तो ये रहा आपका 108, ठीक है। इसके बाद है 109, तो 109 आपको यहाँ पर है, ये आपका 109 और 110 और 111 इसी क्वेश्चन से आंसर करना है, ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, 109 आप देख लिए होंगे, 109 हो गया। इसके बाद 110, तो ये रहा 110, ठीक है, चार ऑप्शन के साथ। इसके बाद 111, तो ये रहा आपका 111, चार ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे 112, 113 और 114 इसी क्वेश्चन से आपको आंसर करना है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप अच्छे से देख लिए होंगे। इसके बाद आपका 112, तो 112 ये रहा ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 112 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 113, तो ये रहा आपका 113, ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहे हैं। इसके बाद है 114, तो ये रहा आपका 114 क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका
चार ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी डी करके दिया हुआ क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इसके बाद है 115, 116 और 117, इसी से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से, और 115 क्वेश्चन नंबर तो आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, 115 का। इसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि अगले तीन क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन से करना है, इसीलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन अभी तक, तो इसको अच्छे से देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 112 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। 113 आपको यहाँ पर है चार ऑप्शन के साथ, इसके बाद 114, तो यहाँ पर 114 क्वेश्चन नंबर है, और इसके बाद आपको 115, 16 और 117 इसी क्वेश्चन से आपको करना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 115 ये रहा, चार ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका चार ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है आपका 116, तो यहाँ पर 116 हो गया, ठीक है, चार ऑप्शन आपको ये रहा, तो 116 क्वेश्चन नंबर देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 117, तो 117 ये रहा क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद है 118, 119 और 120, आपको इसी से आंसर करना है, ठीक है, इसी से आंसर करना है, और ये क्वेश्चन है, और 118 यहाँ पर है, तो देख लीजिए पी का मान पूछ रहा है, इसके बाद 119 में क्यू का मान पूछ रहा है, और उसके बाद 120 में देख लीजिए क्वेश्चन चार ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाते हैं, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया 116, तो 116 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चार ऑप्शन आपको नीचे है, ये रहा चार ऑप्शन, ठीक है, 116 का। इसके बाद है 17, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, और चार ऑप्शन नीचे है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लिए, इसके बाद ऑप्शन भी देख लीजिए, ये रहा आपका ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद है 118 और 119, आपको इसी क्वेश्चन से आंसर करना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन से आंसर करना है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। तो 119, 118 देख लें, 119 भी नीचे है, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका 120, तो 120 से देख लीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बताए कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगता है, और किस ईयर का चाहिए, कौन सा कंपटीशन एग्जाम का चाहिए, ये भी हमें बताए कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने का मेरा प्रयास रहता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इसी प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी इस चैनल पर एनडीए का मिलेगा, ठीक है। अभी मैथ का बताएं, इसके बाद आपका ये गेट का आएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट उसका भी आएगा, ठीक है। तो सभी देखिए, और अपने जो रिवीजन करें, तैयारी करें, उसमें और इम्प्रूवमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।